अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मैटर यूट्यूब चैनल और आज हम आपको लेके हैं DHA फेज 6 लाहौर के अंदर, जहां पर हम विजिट करेंगे वन कनाल अल्ट्रा मॉडर्न डिज़ाइन के अंदर कंस्ट्रक्ट किया हुआ घर के हाउस का टूर, जो कि लोकेटेड है DHA फेज 6 के प्राइम ब्लॉक के अंदर, कम्प्लीटली फर्निश्ड विद 7200 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया और फुली जो है वो फ्यूचरिस्टिक हाउस जो है वो डिज़ाइन किया गया है। फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 5 बेडरूम 6 बाथ एलिवेटर स्विमिंग पूल और थिएटर की जो है वो फैसिलिटी मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्सटीरियर से। तो आप फ्रंट के ऊपर देख सकते हैं आपको लश ग्रीन जो है वो ग्रीन एरिया मिलेगा, जहाँ पर आपको पाम ट्री और कंप्लीट जो बाउंड्री वॉल है उसके अंदर जो है वो आपको निशेज मिलेंगी। 50x90 के स्टैंडर्ड डायमेंशन के ऊपर जो है वो ये घर कंस्ट्रक्टेड है और कम्प्लीटली जो है वो आप देख सकते हैं फ्रंट के ऊपर मैट टाइल का यूज़ किया गया है, जिसके राइट साइड के ऊपर लूवर्स और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो आपको कम्प्लीट जो है वो रोप लाइट का यूज़ मिलेगा। 16 फीट के डायमेंशन के ऊपर इसका जो है वो आउटर रैंप डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर अगेन आपको लाइट ग्रे कलर की टाइल का यूज़ मिलेगा और यहाँ सेंटर होते ही साथ आपको कार गराज की स्पेस मिलेगी, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 कार की पार्किंग स्पेस अवेलेबल है। कार गराज की जो है वो एक यूनिक फीचर यहाँ पर जो है वो लॉन्च किया गया है, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो चार्जिंग स्टेशन का पॉइंट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, जहाँ पर आप अपनी इलेक्ट्रिक कार्स को जो है वो चार्ज कर सकते हैं। फ्रंट के ऊपर अगेन आपको चारकोल कलर की टाइल का यूज़ मिलेगा। टाइल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको मोनालिजा कैले और डिफरेंट इम्पोर्टेड ब्रांड्स की जो है वो टाइल का यहाँ पर यूज़ मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर अगेन इनर जो है वो कोर्टयार्ड मिलेगा, जहाँ पर आपको ग्रास और सराउंडिंग के अंदर जो है वो प्लांटर का यूज़ मिलेगा। लेफ्ट साइड के अगर हम एलिवेशन के डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर अगेन आपको डबल ग्लेज विंडो विद टेम्पर्ड ग्लास और रोप लाइट का जो है वो यूज़ मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ। तो मेन एंट्रेंस जो है वो ग्राउंड फ्लोर आपको रोड लेवल से 3 फीट की हाइट के ऊपर मिलेगी, जहाँ पर 2 स्टेप्स के ऊपर फॉरेस्ट के आपको मार्बल का यूज़ मिलेगा और यहाँ पर कंसील्ड जो है वो अगेन रोप लाइट का यूज़ आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद मेन एंट्रेंस जो है वो 11 फीट हाइटेड डोर के साथ जो है डिज़ाइन की गई है, जहाँ पर आपको सॉलिड वुड टाइल ब्रास और मर्करी ग्लास का जो है वो यूज़ मिलेगा। घर में एंटर होते ही साथ फ्रंट के ऊपर जो है वो आपको राइट साइड के ऊपर स्टेयर्स, जो कि ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर से जो है वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ एक्सेस आपको मिलेगी। अगेन लॉबी एरिया के अंदर आपको मार्बल का यूज़ मिलेगा। लेफ्ट साइड के ऊपर अगेन आपको यहाँ पर पाउडर रूम और ऑफिस की स्पेस जो लेआउट में डिज़ाइन की गई है, जहाँ पर कंप्लीट फ्लोरिंग जो है वो आपको वुडन में मिलेगा और वॉल्स के ऊपर अगेन आपको फैब्रिक वॉलपेपर का यूज़ मिलेगा। 10.6 फीट हाइटेड आपको सीलिंग का डिज़ाइन मिलेगा, जहाँ पर आपको शैंडलियर्स और COP लाइट का यूज़ मिलेगा। उसके बाद अगर हम पाउडर रूम की बात करें तो डार्क थीम के अंदर ये पाउडर रूम डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पर कोरियन की वैनिटी, कंसील्ड कमोड और आपको जो है वो निशेज यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद हम चलते हैं मेन एरिया की तरफ ग्राउंड फ्लोर के अंदर। तो यहाँ पर एंटर होते ही साथ आपको सबसे पहले जो चीज़ मिलेगी वो डबल हाइट TV लॉन्च का एरिया मिलेगा, जिसको कम्प्लीटली नोवा पेंट के साथ कवर्ड किया गया है। ट्रेंडिंग आपको डिकोर आइटम और पेंटिंग का जो यहाँ पर यूज़ मिलेगा। सिटिंग स्पेस की बात करें तो 11-13% की आपको यहाँ पर सिटिंग की स्पेस मिलेगी। अगर हम लेआउट की तरफ चलें तो यहाँ पर आपको TV लॉन्च, जिसके राइट साइड के ऊपर आपको डबल हाइट के साथ ही जो है वो आपको मीडिया वॉल मिलेगी और बैक साइड के ऊपर आपको ओपन किचन कॉन्सेप्ट मिलेगा, जहाँ पर अगेन आपको आइलैंड किचन टॉप जो है वो कोरियन की मिलेगी और दूसरी साइड के ऊपर अगेन आपको टॉप और बॉटम के ऊपर कैबिनेट्स मिलेंगे। डर्टी किचन की अगर हम बात करें स्पेस की, तो अगेन वो बैक साइड के ऊपर डिज़ाइन की गई है, जहाँ पर सेपरेट एक्सेस आपको मिलेगी डर्टी किचन की और मेन एक्सेस भी मिलेगी। उसके बाद डाइनिंग की स्पेस जो है वो आपको बेसमेंट में मिलेगी, जहाँ पर फूड के लिए स्पेसिफिक लिफ्ट का यूज़ किया गया है, जो कि आप ये देख सकते हैं वुडन कंसील्ड पैनल के जो है वो बैक साइड के ऊपर ये लिफ्ट डिज़ाइन की गई है, ये आप देख सकते हैं लिफ्ट।
उसके बाद ग्राउंड फ्लोर के अंदर आपको 2 बेडरूम्स मिलेंगे, जहाँ पर एक मास्टर बेडरूम और एक स्टैंडर्ड साइज बेडरूम। दोनों बेडरूम्स के स्टार्ट के अंदर आप देख सकते हैं फायरप्लेस की स्पेस दी गई है, जिसको टॉप और बॉटम के साथ टाइल के साथ कवर्ड किया गया है। मिड के अंदर आपको प्रोफाइल लाइट और ब्रास की स्ट्रिप का यूज़ मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें मास्टर बेडरूम की, तो 9 फीट हाइटेड डोर के साथ इसकी आपको एक्सेस मिलेगी। रूम में एंटर होते ही साथ आपको मास्टर बेडरूम विद साइड टेबल और सिटिंग की जो है वो प्रॉपर यहाँ पर स्पेस मिलेगी। अगेन अगर हम सिटिंग की स्पेस की बात करें, तो 8-10% की सिटिंग के लिए यहाँ पर आपको चेयर्स दी गई हैं, राउंड टेबल जिसका टॉप जो है वो कम्प्लीटली मार्बल के साथ डिज़ाइन किया गया है, और बैक साइड के ऊपर आपको 9 फीट की जो है वो विंडो मिलेगी। इसके बाद सीलिंग का डिज़ाइन, अगेन आपको जो मेन एरिया है बेडरूम का उसमें आपको प्लेन मिलेगी, और दूसरी साइड के ऊपर अगेन आपको जो है यहाँ पर पेंटिंग और वुडन टेक्सचर के अंदर आपको यहाँ पर कंप्लीट सीलिंग का डिज़ाइन मिलेगा। रूम के साथ अटैच्ड वॉशरूम। इंटरनल अगर आप थीम की बात करें, तो आपको रूम का जो थीम है वो डार्क मिलेगा, और उसके पैरेलल आपको कंप्लीट जो वॉशरूम है वो लाइट थीम के अंदर मिलेंगे। कंप्लीटली मैट टाइल का यहाँ पर आपको यूज़ मिलेगा, जहाँ पर आप वॉश बेसन सिंक देख सकते हैं, जो कि कोरियन के साथ डिज़ाइन किए गए हैं, और यहाँ पर कंसील्ड बॉडीज विद LED डिफॉगर ग्लास, और बैक साइड के ऊपर आपको कमोड की स्पेस मिलेगी। शावर एरिया को अगेन जो है वो आप देख सकते हैं ग्लास के साथ बिल्कुल सेपरेट किया गया है। वॉशरूम के अंदर ही आपको जो है वो कंसील्ड फिटिंग्स और फिक्स्चर्स मिलेंगी। उसके बाद क्लोजेट की अगर हम बात करें, तो आपको L शेप के अंदर यहाँ पर वार्डरोब्स मिलेंगी। ये आप वार्डरोब का डिज़ाइन देख सकते हैं, जिसके अंदर ही प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया गया है, और यहाँ पर प्रॉपर जो है वो क्लॉथ हैंग करने की स्पेस मिलेगी। तो ये था व्यूवर्स मास्टर बेडरूम का ओवरव्यू। कम्प्लीटली ऑटोमेशन सिस्टम जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है, जिसको आप अपने स्मार्टफोन के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, और टच सिस्टम भी आप जो है वो देख सकते हैं, जो कि रूम के स्टार्ट में ही डिस्प्ले में आपको मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की तरफ, जहाँ पर अगेन आपको सेम फ्लोरिंग पोर्सलिन की मिलेगी, और अगेन यहाँ पर भी आपको एक स्टैंडर्ड साइज़ का बेड विद 1 पर्सन सिटिंग की चेयर, और दूसरी साइड के ऊपर जो है वो आपको वॉशरूम की एक्सेस मिलेगी। वॉशरूम में अगर हम ओवरऑल फीचर की बात करें, तो आपको अगेन यहाँ पर कमोड, शावर एरिया और वॉश बेसिन जो है वो कंसील्ड मिलेगा, विद सिमिलर आपको जो है वो यहाँ पर LED और डिफॉगर ग्लास का यहाँ पर यूज़ मिलेगा। तो ये था व्यूवर्स कंप्लीट ग्राउंड फ्लोर का ओवरव्यू, जहाँ पर आपको 2 बेडरूम, TV लॉन्च, किचन, ऑफिस की स्पेस और पाउडर रूम की जो है वो स्पेस मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं बेसमेंट की तरफ, तो सेम आप देख सकते हैं स्टेप के ऊपर आपको फॉरेस्ट ग्रे कलर का मार्बल का यूज़ मिलेगा, जिसके लेफ्ट साइड के ऊपर आपको ग्लास और वुडन बार मिलेंगे। राइट साइड की वॉल के ऊपर आपको कंप्लीट टाइल का यूज़ मिलेगा, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं मोल्डिंग के डिज़ाइन के आपको यहाँ पर ये टाइल मिलेगी, और यहाँ पर एंटर होते ही साथ आपको फ्रंट के ऊपर कंप्लीट जो है वो स्विमिंग पूल का व्यू मिलेगा। इसके लेफ्ट साइड के ऊपर आपको पाउडर रूम और स्विमिंग पूल की एक्सेस मिलेगी, जो कि ग्राउंड लेवल से आपको 1 फीट हाइटेड मिलेगी। सबसे पहले अगर हम पाउडर रूम की बात करें, तो पाउडर रूम जो है वो आपको डार्क कलर के अंदर यहाँ पर डिज़ाइंड हुआ मिलेगा, जिसमें आप वॉल हैंग कमोड देख सकते हैं, और दूसरी साइड के ऊपर कोरियन के साथ डिज़ाइन की गई वैनिटी आपको मिलेगी। पूल के अगर हम एरिया की बात करें, तो ये 18 फीट की लेंथ में आपको जो है वो ये मिलेगा, 18x10 फीट की लेंथ के अंदर ये कंप्लीट पूल का साइज़ है, और अगर हम इसके डेप्थ की बात करें, तो 6 फीट से लेके आपको 8 फीट तक इसकी हाइट मिलेगी, जो कि कंप्लीट स्लोप के साथ डिज़ाइन की गई है। क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉप पर सिंकिंग एरियाज, जो कि ग्राउंड फ्लोर से बिल्कुल ओपन मिलेंगे। तो ये था व्यूवर्स पूल का व्यू। उसके बाद आपको ग्राउंड फ्लोर के बेसमेंट के अंदर डाइनिंग और ड्राइंग की जो है वो अगेन यहाँ पर एक्सेस मिलेगी।
ड्राइंग डाइनिंग की अगर हम बात करें तो अगेन यहाँ पर भी आपको अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12% की सिटिंग की स्पेस और बैक साइड के ऊपर जो है वो डाइनिंग की जो स्पेस है उसमें आपको 8 सिटिंग चेयर मिलेगी। डाइनिंग के एरिया को अगेन जो है यहाँ पर 6 फीट हाइटेड किया गया है और टॉप के ऊपर आपको वुडन फ्लेयर मिलेगा और रिमेनिंग वॉल्स के ऊपर आपको नोवा पेंट और बैक साइड के ऊपर जो है आपको पैनलिंग मिलेगी और लिफ्ट की जो एक्सेस है फूड लिफ्ट की वो आपको दोनों साइड्स पे मिलेंगी। बेसमेंट के अंदर आपको एक मास्टर बेड मिलेगा जो कि बिल्कुल बैक साइड के ऊपर डिजाइन किया गया है। फ्लोरिंग अगेन आपको इसकी वुडन में मिलेगी और कंप्लीट जो है वो लाइट ऑलिव कलर के अंदर आपको यहाँ पर फर्नीचर मिलेगा। बैक साइड के ऊपर वॉशरूम और वॉशरूम का अगर आप साइज़ की तरफ चलें तो अप्रॉक्सीमेटली ये 18x8 की डायमेंशन के अंदर डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर आपको सिंगल वैनिटी और फ्रंट के ऊपर शावर की स्पेस मिलेगी और क्लोज़ेट जो है वो आपको डोर की बैक साइड के ऊपर मिलेगी। तो ये था व्यूवर्स बेसमेंट का ओवरव्यू जिसके अंदर आपको एक मास्टर बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग स्विमिंग पूल की स्पेस मिलेगी। यहाँ से जो है वो आप कंप्लीट रूम से पूल का व्यू देख सकते हैं जहाँ पर आपको फायरप्लेस पे मिलेगी और सिटिंग की स्पेस। उसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। तो सेम स्टेयर जो है वो इंटरकनेक्टेड हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ जहाँ पर आपको स्टेयर की बॉटम के अंदर कंसील्ड लाइट मिलेगी और राइट साइड के ऊपर आप ग्लास देख सकते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर अगेन जो मीडिया वॉल है यहाँ पर आपको टाइल और ब्रास का यूज़ मिलेगा और फ्रंट के ऊपर आप ये रॉड आयरन के फ्रेम्स देख सकते हैं जो कि लाइट के साथ डिज़ाइन किए गए हैं। फर्स्ट फ्लोर पे एंटर होते ही साथ सबसे पहले जो आपको चीज़ मिलेगी वो सिटिंग स्पेस मिलेगी, टीवी लॉन्च का एरिया जहाँ आप सिटिंग कैपेसिटी देख सकते हैं 8 to 10% की और वॉल को जो है वो अगेन नोवा पेंट के साथ कवर्ड किया गया है और यहाँ से जो है वो बिल्कुल आपको डबल हाइट टीवी लॉन्च का व्यू मिलेगा। मिड के अंदर शैंडलियर आप देख सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर के अंदर आपको 2 बेडरूम और एक सिनेमा रूम की स्पेस मिलेगी। फर्स्ट बेडरूम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन वाली साइड के ऊपर ये डिज़ाइन किया गया है जिसका फ्लोर और वॉल का जो पैटर्न है वो सेम रखा गया है और यहाँ से जो है वो आप फ्रंट का जो है वो व्यू देख सकते हैं। उसके बाद अगर हम मास्टर बाथ की बात करें तो ये आपको लाइट कलर के पैटर्न के अंदर मिलेगा जहाँ पर वॉल हैंग कमोड, लेज वॉल्स, निशेस और क्लोज़ेट की जो है वो आपको यहाँ पर फीचर्स मिलेंगे। शॉवर एरिया में जो है वो आप देख सकते हैं सिटिंग के लिए सेपरेट यहाँ पर स्टेप दिए गए हैं और क्लोज़ेट जो है वो आपको कंप्लीट वॉल के ऊपर मिलेगी। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड रूम की तरफ। टीवी लॉन्च और रूम के मिड के अंदर अगेन आपको इनर कोर्टयार्ड मिलेगा और यहाँ पर आपको 2 स्पेस पे जो है वो आपको इनर कोर्टयार्ड मिलेगा। कम्प्लीटली जो है वो इस पेशियो को डार्क थीम के अंदर डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर आप ब्लैक, ग्रे और चारकोल कलर का जो है वो कम्बिनेशन देख सकते हैं। टॉप के ऊपर अगेन रॉट आयरन के बार्स विद आर्टिफिशियल ग्रास और स्पॉटलाइट आपको यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद लास्ट और 5th बेडरूम, जहाँ पर अगेन आपको एक स्टैंडर्ड साइज का बेड और विद अटैच बाथ आप देख सकते हैं आपको स्पेस मिलेगी। वॉशरूम के अंदर आपको डिफरेंट कोरियन के बाउल, कंसील्ड बाउल और वैनिटीज का जो है वो यूज़ मिलेगा और ये बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं शावर का एरिया।
तो ये था व्यूवर्स लास्ट बेडरूम का ओवरव्यू। उसके बाद हम चलते हैं सिनेमा की तरफ। तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो है सिनेमा रूम डिज़ाइन किया गया है ऑलिव कलर के अंदर, जो कि साउंड प्रूफ है। और सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ का जो म्यूज़िक सिस्टम यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है और कंप्लीट साउंड प्रूफ जो है वो ये रूम डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही जो है आपको सेकंड पेशियो का एरिया मिलेगा, जहाँ से आपको डबल हाइट टीवी लॉन्च का एरिया और बाहर वाली साइड का ऊपर दोनों साइड का आपको व्यू मिलेगा। आर्टिफिशियल और नेचुरल प्लांटर जो है वो दोनों यहाँ पर लगाए गए हैं और वॉल के ऊपर आपको कम्प्लीटली टाइल का यूज़ मिलेगा। तो ये था व्यूवर्स कंप्लीट वन किनाल मॉडर्न हाउस का टूर, जो कि DHF फेज 6 में लोकेटेड है। एंड डिटेल्स जो है वो कंप्लीट वीडियो के अंदर इंक्लूड है। फर्दर डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। घर की अगर हम प्राइस की बात करें तो इसकी आस्किंग प्राइस 28 करोड़ 25 लाख है।